this is one of the most ancient and most famous markets of Lahore. इसको कहते हैं क्रीम ब्लॉक मार्केट. और आज का ये सीन है कि सैटरडे है, वीकेंड है और मैं बहुत बोर हो रही थी, तो फिर मैंने कश्यप के साथ एक प्लान बनाया. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इतना बोर हो रही थी, मैं दिल नहीं कर रहा था कि यार फुल ऑन पूरा दिन रेस्ट करूँ. तो अब मैंने शावर ले लिए, तो अब मैं तैयार होती हूँ और फिर बताती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ. लेकिन अभी तक मुझे नहीं पता हमने कहाँ जाना है, मतलब सिर्फ ये बात हुई है कि चलो यार बाहर चलते हैं. तो अब मैं तैयार होती हूँ और भी तुम लोग से मिलती हूँ. अच्छा, तो यार रेडी मैं हो गई हूँ. ठीक है, और अब ये मैंने राइड कराई हुई है और मैं इसका वेट कर रही हूँ. जैसे ही राइड आएगी तो हम लोग निकल जाएंगे. ठीक है, रेडी लेट हो गई हूँ. ठीक है, और ऊपर से ये राइड भी आने में काफ़ी टाइम लगा रही है, तो पता नहीं अब मैं टाइम से भी पहुँच पाती हूँ या नहीं. लेट्स सी. यार मेरी राइड आ गई है. ठीक है, तो अब मैं निकलने लगी हूँ. ठीक है, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ. ठीक है, और अब मैं तुम लोगों को लाइक वहाँ जा कर ही बताती हूँ और कश्यप से भी मिलवाती हूँ. मार्केट आ चुकी हूँ. ठीक है, और ये कपड़े शपड़े भी मैं देख रही हूँ. और कश्यप जो है एज़ यूजुअल हमेशा की तरह लेट है. बचपन से जब हमने कहीं आना होता है, मिलना होता है, कहीं जाना होता है, ये हमेशा लेट होती है और अभी भी वो लेट है. ठीक है, लाइक मैं उससे बाद में निकली थी और मैं पहले पहुँच गई हूँ. ठीक है, और मैं यहाँ खड़ी उसका वेट कर रही हूँ और वो अभी तक नहीं पहुँची है. पता नहीं कौन सी सस्ती सी मार्केट में मुझे उठा के ले गई और ऊपर से मिल भी नहीं गई और अभी मेरे साथ कॉल पे है और मेरे ख्याल से ये खड़ी है. तो यार मुझे कश्यप अभी फाइनली मिल गई थी. ठीक है, और अभी हम लोगों ने लाइक एज सच स्टार्ट नहीं की शॉपिंग. तो अभी हम लोग एक जगह पे बैठे हैं, इसको कुछ खाना था तो हम लोग बैठ गए हैं. मतलब कि जिस मकसद के लिए हम लोग आए हैं ना इस मार्केट, वो मकसद पूरा नहीं हो रहा. आज ये लाहौर की वन ऑफ द फेमस मार्केट है इसलिए क्योंकि यहाँ पर सारे ब्रांड आउटलेट्स हैं. ठीक है, तो बहुत रीजनेबल प्राइस में कपड़े शपड़े मिल जाते हैं. तो अभी मैं भी यहाँ पर कपड़े देख रही हूँ कुछ, क्योंकि विंटर आ रहा है. विंटर स्टफ जैसे आप ये देखो, ये एक पूरा सेट इन्होंने लगाया हुआ है तो ये काफ़ी कूल लग रहा है. तो अब मैं देखती हूँ क्या हिसाब किताब है इसका. वाइड रेंज ऑफ वैरायटी है कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या लूँ कैसे लूँ. और ऊपर से विंटर्स आ रहे हैं तो विंटर्स की शॉपिंग करते हुए मुझे कभी समझ नहीं आया कि मैं क्या लूँ कैसे लूँ. अब इस टाइम हम लोग ढूंढ रहे हैं उसामा के लिए कुछ ले लें, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा, वैरायटी इतनी ज़्यादा है. ये दिखाओ, ये कैसे हुडी लेनी है आपने उसके लिए? दूसरा मसला ये है कि उसामा का साइज़ का इशू भी बहुत होता है. लाइक उसको मीडियम नहीं आती इतनी सही से, लार्ज कुछ कभी ज़्यादा ही लार्ज हो जाती है. तो उसका साइज़ जो होता है ना वो बड़ी मुश्किल से मिलता है. ये आर्टिकल भी है, ये देखने आर्टिकल. इसकी क्या प्राइस है? 6290. ये नहीं अच्छा, ये ब्लू वाला ये थोड़ा सा बेटर है, उसको कलर भी यही पसंद है. ये नहीं यार, हमें उसामा के लिए एक हुडी पसंद आई थी, हम लेने भी लगे थे, लेकिन हमने कहा और इससे आगे वाला ब्रांड भी है वो भी एक दफ़ा चेकआउट कर लेते हैं, क्या पता वहाँ से कुछ ज़्यादा अच्छा पसंद है, तो फिर चलते हैं. सो गाइस, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट एंड मोस्ट फेमस मार्केट्स ऑफ लाहौर. इसको कहते हैं क्रीम ब्लॉक मार्केट और ये रात के वक्त ही ज़्यादा बिजी होती है और यहाँ पे सारे ब्रांड के आउटलेट्स हैं और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में होते हैं और यहाँ पर लोग इस तरह आए होते हैं हाल के लिए. कलर बहुत प्यारे है, आई गेस उसके पास ये कलर भी नहीं है ना. साइज कौन सा है ये? हाँ फिर तो उसको ठीक होगी, उसका तो साइज का इश्यू भी नहीं आता. इसके जैसे ही है ना. अच्छा है कलर, बहुत यूनिक. उसके पास ये कलर नहीं है भाई. अच्छा नो, इसको अच्छा ये खोलो ना, इसका अंदर का स्टफ देखते हैं, जो ज्यादा कूजी होगा वो ठीक रहेगा. इसके अंदर का स्टफ दिखाओ. और इसके अंदर का क्या है? चलो फाड़ दिया, इसको ये क्रिस्टल बताओ.
है ना, ये तो बिल्कुल ही सिंपल सा वो जो कपड़ा सा होता है, कलर ये बहुत ही है ना, इसके इसके अंदर ये वाला कलर हो जाता यार। मुझे पसंद लुक वाइज ये वाला है पसंद है, लेकिन वो ओवर कोट की तरह नहीं जैसा होता है। बिलाल को उसको वो कलर नहीं पसंद आएगा, वो जो नियॉन सा आया अंदर, नहीं ये इसको अच्छा लगेगा। इनकी प्राइस में क्या डिफरेंस है? इसकी क्या प्राइस है? और वो वाली? अच्छा देख लो, वो कलर नहीं अच्छा, वो आंखों में पड़ेगा नियॉन सा। नहीं हम चेंज वहां से तो नहीं होगा, यही ठीक है। बस ये वाला, ये डन होगी है। चलो अच्छा, तो यार बिलाल का जो ड्रेस है वो फाइनलाइज हो चुका है, और उसामा के लिए आप ही देख रही है, ठीक है। और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या लूँ, ऑब्वियसली विंटर्स आ रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि मैं विंटर कलेक्शन में से देखूँ, लेकिन शायद यहाँ वैरायटी कुछ ज़्यादा है तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर अभी बिलाल का फाइनलाइज करके हम लोग आगे चलेंगे और मैं अपने लिए कुछ देखूँ। यार कर तो हम लोग क्या गिरा लिए, पैसे गिरा लिए, ये पकड़ो यार। कर तो हम लोग शॉपिंग गए थे, लेकिन अब इन बाजी को जो है ना चाय पीनी है, चाय पीने का। मैंने फाइनली अपने लिए एक आर्टिकल पसंद कर लिया है और फाइनल भी कर लिया है, तो अब बस हम लोग उसका बिल कराते हैं और चलते हैं। ये वाला पाकिस्तान में रहते हैं, ये एग्जांपल है पाकिस्तान में रहने की, के बंद होते हैं यहाँ पर। अच्छा तो यार हमने एक ये इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्लीवलेस जैकेट हमने एक डिसाइड किया, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम ये उसामा के लिए लें या पापा के लिए, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन चल रही है इस टाइम। ये वो जैकेट है, तो मसला इसका ये है कि इसके ऊपर ना ये कैप है और वो पापा नहीं पहनते, और ऊपर से और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि और क्या लें, क्योंकि वैरायटी बहुत ज़्यादा है। तो यार शॉपिंग वगैरह हो गई थी सबकी, ठीक है, और फिर वहाँ से कश्यप जो थी वो अपने तरफ चली गई और मैं यहाँ पे वापस आ गई हूँ हॉस्टल, और अब मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, लेकिन अभी भी मैं रेस्ट नहीं करूँगी, मैं तुम लोगों के लिए व्लॉग एडिट करके अपलोड करूँगी, और तुम लोग फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते यार, बहुत बुरी बात है। तो अब मैं पहले चाय बनाऊंगी, ठीक है, फिर उसके बाद एडिटिंग करूंगी, व्लॉग पोस्ट करूंगी, उसके बाद जाके मैंने बस सो जाना है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पैदल चले हैं ना मार्केट में ऑब्वियसली, कि अब मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा, मेरी आँखें इस तरह बंद हो रही हैं कि बस अभी मैं सो जाऊँ। खैर एनीवेज व्लॉग देख के बताना कैसे लगा, कमेंट्स किया करो यार, ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू।